एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। मेरा नाम सिमरन सहानी है एंड आज से मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी आपका क्लास 11th का सिलेबस। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। ओके, तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है। अब आप खुद सोचो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा। कॉन्स्टिट्यूशन आप 7th-8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, आपने बहुत सारे फीचर्स भी पढ़े हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे भारत का संविधान, उसे हिंदी में संविधान कहते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लिखे होते हैं, कि एक बुक है जो हमारे इंडिया की बुक है एंड इसमें रूल्स लिखे हैं जिस तरीके से जो हमारी सोसाइटी है उसे हमें गवर्न करना है। तो अब हम इसके फर्स्ट 4-5 फीचर्स पढ़ेंगे। तो पहला फीचर है हमारा अलाउस कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। अलाउस कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस, तो कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे की बातों को समझना एंड एक दूसरे के साथ मिल बांट के एडजस्ट होके रहना। एंड अश्योरेंस मतलब कि आप अश्योर्ड हो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आप सामने वाले के साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हो तो वो भी आपके साथ अच्छे से बिहेव करेगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमें अश्योर करता है कि हम इतने सारे लोग जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके रहेंगे एंड अश्योरेंस करके रहेंगे। अब आप एग्जांपल लो अपने स्कूल का, अपने क्लासरूम का एग्जांपल लो आप। आप कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हो, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, क्रिश्चियन है। ऐसे ही हमारे इंडिया में डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं। कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा शैतान होता है एंड कोई ऐसा है जो बहुत इंटेलिजेंट है, और कोई होता है जो बहुत अच्छा बच्चा होता है, उसको किसी लड़ाई झगड़े में इंटरेस्ट नहीं होता है, जो सिर्फ बहुत शांत होते हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इन योर क्लासरूम एंड एट द सेम टाइम ऐसे ही डिफरेंट टाइप के लोग आपको दुनिया में भी, हमारे इंडिया में भी मिल जाएंगे। तो ये इतने सारे जो डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट टाइप के बिहेवियर के और डिफरेंट नेचर के लोग हैं, वो एक जगह में एक इकट्ठे कैसे रहें, यानी कि इंडिया में इतने सारे रिलीजन, इतने सारे नेचर के लोग इकट्ठे कैसे रह सकते हैं जब उनके पास कोई रूल्स होंगे, प्रॉपर रूल्स हैं कि कोई उन्हें हर्ट नहीं करेगा, वो चाहें तो कुछ, दे हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑल, ऐसे रूल्स उन्हें मिलेंगे तभी वो सोसाइटी में कोऑर्डिनेट करके रह सकते हैं। एग्जाम्पल लो आप अपने क्लासरूम का। अब आपके क्लासरूम में एक टाइम फिक्स है जिस टाइम आपको एंटर करना है, आपको वॉशरूम जाना है जब क्लास टीचर रूम से या फिर जो सब्जेक्ट टीचर है वो चली जाएगी, पीरियड ओवर होने के बाद जाना है। स्कूल के अंदर आने का आपका एक टाइमिंग है। सो दीज आर काइंड ऑफ रूल्स। अगर स्कूल में आपके ये रूल्स नहीं होंगे तो आप सोचो कि आपका स्कूल वर्क कर सकता है? नहीं। आपके स्कूल में जब जिस बच्चे का मन आ रहा है क्लास में आ रहा है, टीचर का मन है आएगी, नहीं होगा नहीं आएगी, तो क्या इस तरीके से स्कूल चल सकता है? नहीं। तो आपके स्कूल के कुछ बेसिक रूल्स हैं एंड वो रूल्स आप सबके डायरी में या फिर क्रॉनिकल जिसको आप कहते हो आपके उसमें लिखे होते हैं रूल्स। ऐसे ही हमारे इंडिया में अगर हम लोगों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एडजस्ट करके रहना है तो हमारे पास भी एक रूल बुक है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको फर्स्ट फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का समझ में आ गया होगा कि हमें कुछ रूल्स प्रोवाइड करता है जिससे हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके रह सकते हैं, एडजस्ट करते हैं हम डिफरेंट टाइप के लोगों के साथ। सो इसी वजह से इंडिया में हिंदू मुस्लिम और इतने सारे रिलीजन के लोग, कुछ क्रिमिनल्स हैं, कुछ बहुत एजुकेटेड हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल हैं, सब लोग मिलके एक साथ एडजस्ट होके रहते हैं। क्यों? बिकॉज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमें पता है हमारे पास हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें जो रूल्स हैं उसकी वजह से लोग कभी कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। तो पहला फीचर हमारा हो जाता है। अब दूसरा फीचर है हमारा स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। अब आपके जो स्कूल होता है उसमें भी आपकी प्रीफेक्टोरियल बॉडी चूज होती है जिसमें कुछ आप प्रीफेक्ट और जो होते हैं आपके कैप्टन, वाइस कैप्टन, स्पोर्ट्स कैप्टन, ये सब हम लोग चुनते हैं। किस लिए चुनते हैं? कि जो स्कूल की जो कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो ले सके। सो दे गवर्न द स्कूल एक तरीके से। ऐसे ही हमें हमारे इंडिया को गवर्न करने के लिए अब कोई चाहिए। ओके, सो स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर है कि हमें इंडिया या फिर कोई भी कंट्री को गवर्न करने के लिए कोई चाहिए, कि कौन रूल्स बनाएगा, कौन किस टाइप का डिसीजन लेगा, कौन पॉलिसीज बनाएगा। तो हमने तीन चीजें पढ़ी हैं। मोनार्की, मोनार्की में रूल्स कौन बनाता है? मोनार्की मतलब जब राजा का रूल होता है, तो मोनार्की में रूल्स बनाता है राजा। दूसरी चीज होती है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में रूल्स कौन बनाता है? ऑब्वियसली डिक्टेटर अपनी सारी मनमानी करता है, रूल्स बनाता है। बट वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में कौन रूल्स बनाता है? वी द पीपल।
तो डेमोक्रेसी में रूल्स कौन बनाता है? हु हैज द डिसीजन मेकिंग पावर? हम इंसानों के पास है, हम पीपल, पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों के पास ये पावर है। तो आप ये सोचो, क्या आप किसी पॉलिसी के ऊपर डायरेक्टली वोट कर सकते हो? पहले जमाने में ग्रीक में, ग्रीस जो एक कंट्री है ग्रीक, वहाँ पे पहले ना ऐसा होता था कि अगर कोई डिसीजन लेना है तो सारे जितने भी सिटीजन्स हैं ग्रीक के वो इकट्ठा होते थे एक जगह पे और वो वोटिंग करते थे। जैसे आपके क्लास में मॉनिटर चूज करने के लिए होता होगा, एक बच्चे दो बच्चे वो कैंडिडेट्स होते हैं, सब वोट करते हैं। बट ऐसी चीज़ तभी पॉसिबल है जब बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन हो। अब आप सबको पता है इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, हर कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है आजकल। तो ये जो हमारा प्रोसीजर है, वन वोट, एक हर एक इंसान वोट करेगा एक एक पॉलिसी के लिए, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए हमने एक तरीका निकाला, रिप्रेजेंटेटिव रूल, यानी कि जितने भी जो हम लोग हैं हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे एंड वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। जैसे कि अब की बार इलेक्शन हुए थे, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट दिया, आप चाहते थे कि वो आपके रिप्रेजेंटेटिव लीडर बने एंड वो आपके लिए पॉलिसीज बनाए। सो दिस इज द वे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें लिखा गया है कि सारे के सारे जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनके पास राइट टू वोट होगा, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट बनाएंगे। तो ये डिसीजन मेकिंग पावर फिर किसके पास आती है? रिप्रेजेंटेटिव्स, जिससे हमने चूज कराओ। तो ये भी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत साफ साफ लिखा है कि किस तो हमारा थर्ड फीचर है लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अब हमने गवर्नमेंट तो बना दी, हमने अपने लीडर्स चूज कर लिए, बट आप सोचो अगर ये जो लीडर्स है और ये जो गवर्नमेंट है वो हमारे जो हमारे खिलाफ जाने लगी, हमारी उसने फ्रीडम छीन ली। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने ये रूल इम्पोज कर दिया कि हम सिर्फ हमें सिर्फ एक ही रिलीजन फॉलो करना है, कोई हिंदुइज्म फॉलो नहीं कर सकते, कोई सिख नहीं फॉलो कर सकते, ऐसा डिसीजन बना दिया, या फिर हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन बना दिया कि वी डोंट हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम लोग कहीं बाहर जाके गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, उसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते और कि गर्ल्स स्कूल नहीं जा सकती, इस टाइप के अगर डिसीजंस गवर्नमेंट ने अपनी पावर को मिसयूज करा तो जो सोसाइटी है उसमें रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो गवर्नमेंट है उसकी पावर पे लिमिटेशंस लगाती है, लिमिटेशंस लगाती है कि गवर्नमेंट जो है ये चीजें नहीं कर सकती है। एंड हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे हैं, ये मैं आपको आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ाऊंगी। हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिसे कोई भी गवर्नमेंट छेड़ नहीं सकती है, कोई भी गवर्नमेंट जो है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकती है, उनको वायलेट नहीं कर सकती है। जैसे कि फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास हमेशा रहेगा, चाहे एक गवर्नमेंट आए चाहे दूसरी गवर्नमेंट आए, कोई भी गवर्नमेंट हमसे वो नहीं छीन सकती। और लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ गवर्नमेंट, हमारे पास जुडिशरी है यानी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट है, अगर गवर्नमेंट हमारे सब कुछ गलत करेगी या गवर्नमेंट किसी भी रूल के जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट है वो गवर्नमेंट को चैलेंज करेगी एंड गवर्नमेंट को आंसर करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, हमारी जुडिशरी को। तो दीज आर द काइंड ऑफ लिमिटेशन जो गवर्नमेंट की पावर पे लगाए गए हैं जिससे जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर्स को मिसयूज ना करे। सो विद दिस वी कंप्लीट द थर्ड पॉइंट। अब हमें पढ़ना है एस्पिरेशंस ऑफ द गोल्स ऑफ सोसाइटी। एस्पिरेशंस मतलब क्या होती है? चाहत, यानी कि क्या हम अपने फ्यूचर के लिए सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं, जो हमारे गोल्स हैं इन सबको हम कहते हैं एस्पिरेशंस ऑफ द गोल्स ऑफ सोसाइटी। अब आप लोगों के भी, यू आर इन क्लास 11 नाउ, आप सबकी एस्पिरेशंस होंगी कुछ ना कुछ, आपने अपने फ्यूचर गोल्स सेट कर रखे होंगे, किसी को IAS बनना होगा, किसी को UPSC की तैयारी करनी है, किसी को कोई अच्छे से स्कूल में जॉब करनी है, बहुत सारी अलग अलग एस्पिरेशन सब स्टूडेंट्स की होती है, किसी को फॉरेन सर्विसेज में जाना है। सो ऐसे ही जो हमारी सोसाइटी है उसकी बहुत सारी एस्पिरेशंस होती है कि जो गवर्नमेंट है वो क्लाइमेट के लिए वर्क करे, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए उसे कम करने के, वाटर कंजर्वेशन के, अगर सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, एंड अगर गर्ल्स के साथ वुमेन एजुकेशन को बढ़ाने के लिए सोसाइटी को वर्क करना चाहिए। सो दीज आर काइंड ऑफ एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी। तो ये कुछ एस्पिरेशंस है जो गवर्नमेंट को पूरी करनी चाहिए, इसीलिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट दिए गए हैं। ये आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स कुछ बातें लिखी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कंपलसरी नहीं है हमारी गवर्नमेंट के लिए फॉलो करना, बट ऐसा कहा गया है कि गवर्नमेंट को उन्हें फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो फॉलो होंगी तो जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा इंडिया है, वो बहुत ब्यूटीफुल बन जाएगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट हमारी जो एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी है उसको रिप्रेजेंट। हम आ गए हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। अब मैं आपको बता चुकी हूँ हमारे सबके पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं,
एंड हमारी एक फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है, मतलब हम लोग कौन है। नाउ इफ आई आस्क यू कि आप लोग कौन हो, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताओगे एंड सेकेंडली यू वुड से दैट यू आर इंडियन। ओके, कुछ कंट्रीज, कुछ बच्चे कहेंगे कि वी आर मुस्लिम, वी आर हिंदू, वी आर सिख, बट जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो हमें पॉलिटिकल आइडेंटिटी और मॉरल आइडेंटिटी दोनों के बारे में बताती है। पॉलिटिकल आइडेंटिटी ये है कि आप बता रहे हो वी आर इंडियन, या फिर आप अपनी स्टेट को रेफर कर रहे हो कि वी आर फ्रॉम पंजाब, वी आर फ्रॉम गुजरात। दूसरी होती है आपकी मॉरल आइडेंटिटी, जिसमें आप अपने किसी एथनिक ग्रुप या फिर अपने रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हो, जैसे कि मैं मुस्लिम हूँ, या फिर मैं सिख हूँ, फिर मैं हिंदू हूँ। बट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने सिटीजनशिप देने के लिए, हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी देने के लिए रिलीजन को साइड में रखा है। किसी भी टाइप की रिलीजियस आइडेंटिटी हमारी कंट्री में मान्य नहीं है, और किसी भी टाइप की स्टेट आइडेंटिटी भी मान्य नहीं है। जस्ट वन आइडेंटिटी वी ऑल हैव, दैट इज वी ऑल आर। ओके, तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या कर सकती है, उसमें क्या लिखा है। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुनते हो, तो आपको ये लगता है क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन, क्या लिखा है इसमें, क्या होता है ये। सो कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रिटन रूल्स होता है, एक पेपर्स का बंडल होता है जिसपे बहुत सारे रूल्स लिखे होते हैं। अब कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिनके पास खाली एक बुक होती है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया की सिर्फ एक बुक है। बट कुछ ऐसी कंट्रीज होती है जिनके बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लिए रूल्स लिखे गए हैं, एंड उन सबको अगर हम कंबाइन कर दें तो उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ऐसे यूनाइटेड किंगडम जो है, वहाँ पे खाली एक बुक नहीं है, हर एक इंस्टीट्यूशन के पास अपनी गाइडलाइंस है फॉलो करने की, एंड उसको कंबाइन करके हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी कैन से दैट अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अ डॉक्यूमेंट दैट हैज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। एक डॉक्यूमेंट या फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट जिसमें सेट ऑफ रिटन रूल्स है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो पहला चीज है हमारा मोड ऑफ प्रोम्यूगेशन। मोड ऑफ प्रोम्यूगेशन मतलब क्या है, प्रोम्यूगेशन मतलब होता है अनाउंसमेंट। अब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आई, किसको आइडिया आया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। सो हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू बींग, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। दूसरी चीज, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाई किसने, जिसने बनाई है हमें क्या भरोसा उस पर कि उसने हमारे लिए अच्छी बनाई है या फिर गलत बनाई है। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाई, और तीसरी चीज ये है कि किसके पास अथॉरिटी है उसको चलाने की, क्यों हम दूसरों की बातें माने। सो जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी ऐसे लीडर्स ने, जो हमारे जो इंडियन सिटीजन थे, जो बहुत सालों से ब्रिटिशर्स के रूल में रह रहे थे, उनकी आवाज़ को रिप्रेजेंट करते थे, जैसे कि हमारे नेशनल लीडर्स। हम अब आप पुराने ज़माने में जाके देखो, जब ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा ओप्रेसिव रूल कर रहे थे, तो हर एक ग्रुप का अपना अपना लीडर था, सब लोगों में अलग अलग लीडर्स, नेशनल लीडर्स के बारे में हमने पढ़ा, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर और लाल बहादुर शास्त्री, इन सब लीडर्स ने आगे आगे जवाहरलाल नेहरू, सबकी मदद करी एंड इंडिया को आज़ाद कराया। तो वही लीडर्स हैं जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। तो क्या अब कोई क्वेश्चन है आपको, आपके दिमाग में, कि क्यों उन्होंने बनाई, जब वो हमारी सारी बातें उन्होंने हमारी रिप्रेजेंट करी, जब वो सक्सेसफुल रहे ब्रिटिशर्स को बाहर भगाने में, तो वो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें बना के दे सकते हैं, एंड ऐसा ही उन्होंने करा। सो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1946 से 1949, 2 साल लगे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, एंड एट द एंड हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन आई। उसमें अब हमने देखा कि अथॉरिटी, उन्हें किसने अथॉरिटी दी, जितने हमारे नेशनल लीडर्स थे, आगे चल के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करी एंड उन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। बट कुछ कंट्रीज ऐसी होती है, तो हमारी कंट्रीज में हमारे नेशनल लीडर्स के पास थी अथॉरिटी। कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिसमें रेफरेंडम के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन बनती है। रेफरेंडम मैंने आपको पहले भी बताया था, एक ऐसा वोटिंग सिस्टम जिसमें हर एक डिसीजन के ऊपर पूरे के पूरी कंट्री के जितने भी लोग हैं वो अपना वोट देंगे। बट जो ये सिचुएशन है वो इतनी बड़ी कंट्री के अंदर पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अपनी क्लास के लिए कुछ रूल्स बनाने हैं कि ब्रेक के बाद आपको 15 मिनट्स का और टाइम मिलेगा, अगर कोई रेफरेंडम हो रहा है आपकी क्लास के अंदर, दैट आपके क्लास के मॉनिटर ने और आप सब लोगों ने टीचर को बोला है कि ब्रेक के बाद हमें 15 मिनट्स का टाइम और चाहिए, तो उस पर वोटिंग होगी कि करना चाहिए या फिर नहीं। तो ये एक छोटी सी क्लासरूम के लिए पॉसिबल है, बट जब इतनी बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं राइट्स के और फ्रीडम के, इस सब के लिए हमने रेफरेंडम नहीं कर सकते इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में। अब
आप ये सोचो कि जो हम लोग हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में बनी, उसको आप आज तक, कब बनी थी, 1949 में बन गई थी, और हम उसे अभी तक अबाइड करते हैं, हम उसको मानते हैं, इसलिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो सक्सेसफुल रही। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स थे, नेशनल लीडर्स थे, उन्होंने एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बनाई एंड हम उससे अबाइड करते हैं। दो वो रेफरेंडम के थ्रू नहीं बनती, बट फिर भी हम उसको मान्य करते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज गुड एंड वो बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। अब हमारा दूसरा आदत है सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सब्सटेंसिव प्रोविजन मतलब ऐसी कौन सी दलीलें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल सही हैं और उसकी वजह से हम उसे मानते हैं। तो पहली चीज ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हॉलमार्क है। एक दो बातें मैं आपको ऐसी बताऊंगी जिसकी वजह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन चलती है एंड हम उसे मानते हैं। अब आप सोचो कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन जो सिर्फ एक ही ग्रुप को महत्वता दे, यानी कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को ओप्रेस कर सकते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में होता था, वाइट जो होते थे वो काले लोगों को, ब्लैक पीपल्स को ओप्रेस करते थे। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन कहते कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जो मेजॉरिटी है वो रूल करे माइनॉरिटी पे, तो क्या आप उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाओगे? नहीं जाओगे। या फिर आप ये सोचो कोई एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन जो सिर्फ माइनॉरिटी को ही सारे राइट्स देती रहे, क्यों? क्योंकि उन्होंने सफर करा है और जो मेजॉरिटी है उसको जो है उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करे, तो क्या उसके साथ आप लोग जाओगे? नहीं। एक ऐसी ही कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप जाओगे जो सब लोगों को इक्वल एंड सब लोगों को बैलेंस करेगा। सो आपके पास रीजन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने का, एंड वो रीजन क्या है? इक्वालिटी एंड फ्रीडम, यानी कि आप सबके पास फ्रीडम हो। ऐसा नहीं कि किसी का जाके मर्डर कर दो आपके पास इस चीज का फ्रीडम हो। फ्रीडम कि आप बोल सको, आप अपने जो एस्पिरेशन है सामने रख सको, आप एक जस्ट सोसाइटी में रह सको, एंड आप सब लोग इक्वल हो, यानी कि इक्वालिटी में हो, ब्लैक व्हाइट कलर्ड ऐसा कोई डिफरेंस ना हो, अनटचेबल दलित ऐसी सब चीज हमारी सोसाइटी में से हट जाए, कोई मेजॉरिटी ग्रुप ना बने, कोई माइनॉरिटी ग्रुप ना रहे, कोई मेजॉरिटी ओप्रेसिव रूल ना करे, कोई माइनॉरिटी के पास फालतू के राइट्स ना हो। तो जब इक्वालिटी होगी, सब इक्वल होंगे, तभी हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, एंड जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम देगी, जैसे आपने देखा था साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक पीपल थे उनको बेंचेस पे बैठना अलाउड नहीं था, उन्हें ये वाले वॉशरूम्स यूज करना अलाउड नहीं था। अगर ऐसी चीजें हमारी कंट्री में होगी तो हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे जो हमें फ्रीडम और इक्वालिटी नहीं देगा। तो दो हॉलमार्क क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की? फ्रीडम एंड इक्वालिटी, एंड ये दोनों चीजें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करती है। सो सेकेंड फीचर भी हमने पढ़ लिया अपना। थर्ड है हमारा बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमारी गवर्नमेंट है उसका डिजाइन किस टाइप का बनाया ये हम पढ़ेंगे। ओके, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लेवरली बनी है, यानी कि बहुत समझदारी से बनी है। आप हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी एक इंस्टीट्यूशन मतलब एक वो प्लेस जहाँ पे सोसाइटी को हमारी गवर्न करने का काम चलता है, ऐसे ही हमारे पास जो हमारी जो कंट्री है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी एक इंस्टीट्यूशन को सारी पावर, यानी कि मोनोपोली आपकी बुक में लिखा है, मोनोपोली मतलब सारी की सारी पावर नहीं दी गई है। जैसे कि हमारी जो कंट्री है उसको लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में डिवाइड करा गया, LEJ। तो लेजिस्लेटिव क्या करता है? लॉज को बनाता है, तो एक जो डिपार्टमेंट है वो लॉज बनाएगा। दूसरा डिपार्टमेंट है एग्जीक्यूटिव, यानी कि वो जो लॉज बनाए गए हैं उसे एग्जीक्यूट करेगा, उसे लागू करेगा। थर्ड है जुडिशरी कि अगर गलत लॉ बना है तो जुडिशरी उससे सवाल कर सकता है, एंड अगर एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम है तो भी जुडिशरी सवाल कर सकता है। तो हमारे जो कंट्री है उसमें हॉरिजॉन्टल सिस्टम है जिसमें तीनों LEJ तीनों ही इक्वल प्लेटफॉर्म पे है, बैलेंस्ड है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिजाइन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया गया है। दूसरी और चीज क्या है? राइट्स, रूल्स एंड ड्यूटीज। हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हमें रूल्स दिए गए हैं जो हमें फॉलो करना है, एट द सेम टाइम हमें कुछ ड्यूटीज दी गई हैं जो एज अ सिटीजन हम सबको फॉलो करनी चाहिए। बट अब आप सोचो ये सब कितना स्ट्रिक्ट लग रहा है आपको, राइट्स हैं, रूल्स हैं, ड्यूटीज हैं, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो इतने सालों पहले बनी थी वो वैसे ही चलती रहेगी? नो, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी टू अडाप्ट चेंजेस भी होनी चाहिए। आप सोचो कॉन्स्टिट्यूशन बनी 1949 में, तब से लेके अब तक की सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, तो उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज होना चाहिए। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कहते हो कि आप चेंज करो अपने आप को, मॉडर्न हो गया हमारा वर्ल्ड, तो जो हमारी बूढ़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन है इतने साल पुरानी, तो उसको भी अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी टू अडैप्ट चेंजेस। अब
जो चेंजेस हो वो ऐसे भी ना हो कि वो खुद को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर ले, और जो अपनी कोर वैल्यूज है, जो अपनी कोर वैल्यूज पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, इक्वालिटी, फ्रीडम, इसको भूल जाए. अगर इक्वालिटी फ्रीडम जो बेसिक हमारे हॉलमार्क से अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे ही चेंज कर दिया तो क्या हम रह सकते हैं? नहीं. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक हमारी जो आज की सोसाइटी उसके साथ कैसे चलेगी? क्लेवर इंस्टीट्यूशनल डिजाइन कब होगा? जब वो अपनी कोर वैल्यूज को प्रिजर्व करेगी और साथ ही के साथ अडैप्ट न्यू चेंजेस, और न्यू चेंजेस को कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अडैप्ट करेगी. तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बन जाएगी? हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट. और ऐसा ही है जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हम लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे बनी अब हमें पढ़ना है. हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई थी, वो 9 दिसंबर 1946 में शुरुआत हुई एंड 14 अगस्त 1947 तक हमारे पास हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी. तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ने इलेक्ट करा था. अब आप सोचो जो हम लोग जो है हमने स्टेट के हम क्या हम अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं? नहीं. हमारे प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? हमारे एमपीज और एमएलएस. ऐसे ही उस टाइम पे हुआ था जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो प्रोविंसेस के एमपीज मान लो आप जो और एमएलएस थे उन्होंने ही उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चूज करा था. मैं आपको बताऊंगी किसके थ्रू चूज करा था उन्होंने. कैबिनेट मिशन प्लान इनडायरेक्ट इलेक्शन थे. जब भी जैसे हमारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट. नेक्स्ट आप टॉपिक में अपने जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें मैं आपको बताऊंगी. सो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हुई थी. कैबिनेट मिशन प्लान हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट का था. ये उसके थ्रू हमें कितने लोग इलेक्ट होंगे? 1:10 लाख का रेशियो था. एक रीजन 10 लाख लोगों के एक रीजन में से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज होगा. तो दिस वॉज द रेशियो. अब हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिश इंडिया जब ब्रिटिशर्स हमारे पे रूल करते थे दो टाइप की स्टेट्स थी. एक थी ब्रिटिश प्रोविंसेस यानी कि जहाँ पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे. दूसरी थी हमारी प्रिंसली स्टेट्स यानी कि जहाँ पे राजा था एट द सेम टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सटर्नल अफेयर्स देखती थी और राजा इंटरनल ऑटोनॉमी संभालता था. तो जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी उसमें से 292 मेंबर्स इलेक्ट करे गए एंड जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी उसमें से 93 मेंबर्स इलेक्ट करे गए थे. तो और रेशियो कितना था? 1:10 लाख. और जितने भी ये मेंबर्स थे वो मुस्लिम, सिख एंड जनरल. जनरल में हिंदू के और उनकी सारी कास्ट आ जाती हैं. बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. मुस्लिम, सिख, जनरल तीनों की ही तरफ से मेंबर्स आए थे. एंड जो हमारा जो इलेक्शन सिस्टम था जो इनडायरेक्ट इलेक्शन था वो प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से हुआ था. प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये सिस्टम मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी. एंड ये कहा हुआ था प्रोविंशियल स्टेट्स में, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इसके थ्रू हुआ था. दूसरा प्रिंसली स्टेट. अब प्रिंसली स्टेट में तो कोई एमएलए एमपी नहीं था, वहां तो राजा का रूल था. तो प्रिंसली स्टेट्स में कंसल्टेशन यानी कि बातचीत करके डिसाइड करके कंसल्ट करके मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था. 93 मेंबर्स इलेक्ट हुए थे. इतना ही आपका हाउ वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड में. अब आपका एक छोटा सा ब्लू बॉक्स दे रखा है उसमें आपको बताया गया कि जो राजेंद्र प्रसाद हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे तो उन्होंने बहुत पहले से ही डिसाइड करा था, उनके मन में एक ख्याल आया था कि एक ऐसी असेंबली बनाई जाए जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए. एंड ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे वैसे जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन पढ़ते हैं वो कौन है? बी आर अम्बेडकर. बट फर्स्ट चेयरमैन कौन है आपके एग्जाम में आ सकते हैं? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र. ओके, तो अब हमें पढ़ना है कॉम्पोजिशन ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कैसे बनी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? मैंने आपको बताया था 14 अगस्त 1947 तक वो तैयार हो गई थी. बट जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली हमारा पार्टीशन हो गया. तो पार्टीशन के बाद जितने भी जो लीडर्स थे वो पाकिस्तान वाले एरिया के जो पहले इंडिया में आता था उनको हटा दिया गया. बाद में हमारे पास 284 मेंबर्स रह गए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन में, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी वो पार्टीशन के पार्ट बनी. तो जितने भी हमारे लीडर्स थे उन्हें समझ में आ गया था कि रिलीजन की वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं इंडिया के अंदर एंड किसी भी रिलीजन को हमें महत्वता नहीं देनी है. इसीलिए जो हमारी क्राइटेरिया मैंने आपको लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था, आपको लास्ट जो आपको फीचर था कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल आइडेंटिटी. हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी यानी हमारी सिटीजनशिप क्या है? कि वी ऑल आर इंडियन. हम ये नहीं कहते वी आर मुस्लिम, वी आर इंडियन, वी आर हिंदू, वी आर इंडियन. हम सब के पास सिर्फ एक ही क्राइटेरिया ऑफ सिटीजनशिप है, इंडियन.
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स को पार्टीशन के बाद समझ आ गया हमारे पार्टीशन में 10 लाख लोग मरे थे एंड बहुत ज़्यादा किलिंग एंड एट्रोसिटीज हुई थी, तो वो समझ गए जब भी रिलीजन बीच में आएगा तो किलिंग होगी, इसीलिए राइट टू वोट, सिटीजनशिप, इन सब के क्राइटेरिया के लिए हम रिलीजन को बीच में नहीं लाएंगे, सिर्फ क्या होगा इंडियन। और जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव थी, दो हम लोगों ने खुद जाकर उनको इलेक्ट नहीं करा था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था, बट रिप्रेजेंटेटिव क्यों थी, क्योंकि उसमें 26 मेंबर्स शेड्यूल कास्ट के थे, रिजर्व की गई थी स्टेट्स के अंदर सीट्स, जिससे जो छोटी छोटी जो माइनॉरिटीज हैं, जो छोटी छोटी ग्रुप्स हैं, उससे भी रिप्रेजेंटेशन आ सके। तो 26 मेंबर आपको याद रखना शेड्यूल कास्ट के थे। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कांग्रेस पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी फर्स्ट पार्टी थी इंडिया की, एंड वो पार्टी खुद में ही एक बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेटिव थी। जो कांग्रेस थी वो पूरे इंडिया में, ऊपर से लेकर नीचे तक इंडिया में पूरी जगह फैली हुई थी, लाइक एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, एंड कांग्रेस में हर एक डाइवर्सिटी के लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे। तो जो जितने भी कांग्रेस के मेंबर थे वो खुद में ही डाइवर्स थे, सारे जो आइडियाज थे वो रिप्रेजेंट करते थे, इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटिव थी। सो विद दिस वी हैव टू स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन। डेलिबरेशन मतलब एग्जामिन करना, किसी भी चीज़ को एग्जामिन करने को हम कहते हैं डेलिब्रेशन। ओके, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी उसमें जितने भी रूल्स लिखे गए हैं, ऐसा नहीं है कि दिमाग में और लिख दिए गए, उसको काउंटर किया गया, आर्ग्यूमेंट्स हुए, डिस्कशन हुए, उसको बार बार एग्जामिन किया गया। बहुत सारे इशूज थे, जैसे हमारी कंट्री को सेंट्रलाइज होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज, क्या गवर्नमेंट को राइट टू प्रॉपर्टी करना चाहिए, और भी क्या रिलीजन को कोई रिलीजन को महत्वता देनी चाहिए, बहुत सारे ऐसे जो डिस्कशंस थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बैठ कर किए गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, एंड दे गिव अ पब्लिक रीज़न फॉर एवरीथिंग। पब्लिक रीज़न मतलब कि एक लीडर ने कोई एक डिमांड रखी है तो उसको उस डिमांड को पूरा करने के लिए अपने रीजंस देने होंगे, एंड जो हमारा सामने वाला लीडर था वो बैठ के बहुत आराम से उनकी दलीलों को सुनते थे एंड फिर डिस्कस करते थे कि वो सही है या गलत। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में ज़्यादा टाइम इसीलिए ही लगा, क्यों, क्योंकि जो हमारे लीडर्स थे वो हर एक चीज़ को बैठ कर, हर एक डिसीजन को, हर एक पॉलिसी को बैठ कर उन्होंने बहुत टाइम दिया एंड डिस्कस करा। सिर्फ एक चीज़ थी जिसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ और लिखी और वो पास हो गई, वो क्या थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि आप सबको पता क्या है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की, अबव 18 इयर्स और हर एक रिलीजन, हर एक रीजन के लोगों को राइट टू वोट हो। राइट टू वोट में कास्ट, कलर, जेंडर, रेस के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। 18 ईयर्स से अबव कोई भी इंडियन सिटीजन है तो उसके पास राइट टू वोट होगा। सिर्फ ये चीज़ है जिसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हुई, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुई, कोई दलीलें नहीं दी गई, बाकी जितने भी क्राइटेरियाज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, रूल्स लिखे हैं, सबके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आर्ग्यूमेंट्स हुई, डिबेट हुई, एंड सारे लीडर्स ने बैठ के डिसाइड करा, इसीलिए हमारे इस टॉपिक को बोला गया प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। एंड डेलिब्रेशन मतलब एग्जामिन करना, एक दूसरे की बातों को एग्जामिन करते थे। एंड पब्लिक रीजन मतलब है कि जो आप कह रहे हो उसका रीजन दो जिससे पब्लिक उसको सपोर्ट कर सके, तो सारे लीडर्स ने एक दूसरे को पब्लिक रीजन दिया। तीसरी चीज़ हमें पढ़नी है प्रोसीजर्स। अब क्या प्रोसीजर्स थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो बनी उसमें बड़े बड़े लीडर्स थे जिनके नाम हमारी बुक में दिए गए हैं, B.R. अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, और ये जो बड़े बड़े लीडर्स थे ये एक दूसरे से बातों पे कॉन्ट्रैक्ट करते थे, यानी कि वो एक दूसरे के जो बात होते थे उनके व्यूज़ नहीं मिलते थे। जो B.R. अंबेडकर थे वो गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को क्रिटिसाइज करते थे कि वो जो दलित है, शेड्यूल कास्ट है, उनके लिए वर्क नहीं करते हैं। ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल की बातें, जो उनका दिमाग है, काफ़ी चीज़ों पे मेल नहीं खाता था, उनके डिफरेंसेस थे, बट इन सब ने अलग अलग कमेटीज बनाई। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन, आप बड़े हो जाओगे तो आगे चल के आप पढ़ोगे कि बहुत सारी कमेटी बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, एक मैं आपको नाम नहीं बता रही हूँ, कन्फ्यूज हो जाओगे बिकॉज दिस इज आउट ऑफ कोर्स। तो कमेटीज बनी एंड अलग अलग कमेटी का पास अलग अलग काम था करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, एंड हर कमेटी का एक लीडर था। ड्राफ्टिंग कमेटी के लीडर कौन है, हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसीलिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बनने में इतने साल लग गए, 166 डेज एंड 2 ईयर्स, ऑलमोस्ट 3 साल लग गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। एंड इसीलिए आपकी जो बुक है उसमें साइड में एक छोटा सा कार्टून दिया गया है,
कि स्नेल की पेस पर, स्नेल आपको पता है कितना धीरे चलता है, उसी तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे बनी। धीरे बनने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्यों? क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितनी भी बातें डिस्कशन हुआ हर चीज के ऊपर, एक अगर रूल बनना है तो उसमें 10 दिन का डिस्कशन हुआ, और वो जो डिस्कशन था वो ओपन टू पब्लिक मूवमेंट। एक लाइन पढ़ के ही आपको ये टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जितने भी प्रोसीजर्स थे, जितने भी हमारे जो भी कुछ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, वो सब हमने इनहेरिट करा है नेशनल मूवमेंट से। जब ब्रिटिशर्स हमारे पे रूल करते थे तो जो बेचारे लोग थे उस टाइम पे, हम सब इंडियंस ने, हम सब की एस्पिरेशंस थी, हमारी कुछ चाहत थी कि हमारी गवर्नमेंट है वो हमें इस तरीके से रूल करे, सोसाइटी में से डिस्क्रिमिनेशन हट जाए, फ्रीडम मिले, इक्वालिटी मिले, और यही सब चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने रिप्रेजेंट करी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करा। एंड जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करा था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपको एग्जाम में आ सकता है लिखने को। इस रेजोल्यूशन में उन्होंने वो सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे जिन जिन की मांग दुनिया के कोने कोने में, इंडिया के कोने कोने में नेशनल मूवमेंट में की गई थी। जब हमारा नेशनल मूवमेंट हो रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दांडी मार्च, इन सब मूवमेंट में हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कुछ मांगे रखी थी। क्या मांग की हमें? अपनी गवर्नमेंट ऐसे चलानी है, राइट टू फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो, कोई कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सब मांगों को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में और भी जितनी मांगे थी लिखा गया। एंड उसको जो हमारे जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेम्बर्स को दिया, एंड उन्होंने इसके ऊपर डेलिब्रेशन करी। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको पढ़ा प्रिंसिपल डेलिब्रेशन में हर एक उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर एग्जामिन किया गया, आर्ग्यूमेंट हुई, डिबेट हुई, एंड उसको येस और नो किया गया कि माना जाएगा या नहीं। एंड एट दी एंड जो हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनी वो एक फुलफिल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनी, यानी कि जो कुछ भी इनहेरिट हमने किया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी है वो हमारे नेशनल मूवमेंट पे जो हमारी मांगे थी उसकी एस्पिरेशंस को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने फुलफिल कर दिया है। जो उस टाइम पे हमने मांगा था वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया गया। सो नाउ वी कंप्लीटेड दिस। अब हमें पढ़ना है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। मैंने आपको बताया कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था कि जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव है, तीनों हॉरिजॉन्टल सिस्टम में आती है, चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये लॉज बनाएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, जुडिशरी उसको चेक करेगा कि फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं। और जो हमारा दूसरा, जो हमारी गवर्नमेंट किस टाइप की है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारे पास कौन होते हैं? हमारे एग्जीक्यूटिव हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और वो हेड कौन है? हमारा प्राइम मिनिस्टर। और हमारे पास एक प्रेसिडेंट भी होते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम हमने चूज करा इंस्ट्रूमेंटल अरेंजमेंट में। दूसरी चीज क्या है? हमें फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट मतलब आपके पास एक स्टेट गवर्नमेंट भी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट से आप सीएम चूज करते हो, जो आप उत्तर प्रदेश के हो, गुजरात के हो, पंजाब के हो, तो आपकी स्टेट को चलाते हैं। एट द सेम टाइम आपको सेंट्रल लेवल पे भी इलेक्शन करने होते हैं, यानी कि अपने प्रधानमंत्री चलने होते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट हमने चूज करी हमारे इंडिया के अंदर। एंड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लीडर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी करी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस में देश भर में वो घूमे और उन्होंने सबके कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ी, और जिसके जितने अच्छे अच्छे फीचर्स थे, कुछ लोग कहते हैं कॉपी की गई है, वो कॉपी नहीं था, उसको कहते हैं बहुत अच्छी सोच से उन्होंने उसको इनहेरिट करा। जो भी अच्छी चीज उन्हें, जिस भी इन फ्रेंच रेवोल्यूशन की और भी जितनी चीजों की उन्हें अच्छी बातें लगी वो उन्होंने इनहेरिट करी, जैसे कि ब्रिटिश, आयरिश, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कैनेडा, इन सब जगहों से हमने इनहेरिट करा है, और भी जगहों से करा, बट आपकी बुक में यही दिया है तो आपको यही रखना है। आप इसकी शॉर्ट फॉर्म में लर्न कर लेना बीफअप। तो ब्रिटिश, आयरिश, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कैनेडा। तो ब्रिटिशर्स से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया, जैसे कि हमने अपने प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं, और जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम आप सबको पता है क्या है, वो हमने लिया ब्रिटिशर्स से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत आराम से आपको क्लियरली समझाऊंगी क्या होता है ये। फ्रांस से हमने क्या लिया? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी। 9th में आपने पढ़ा था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मिले, फ्रीडम मिले, इक्वालिटी मिले और फ्रेटर्निटी, यानी हमारी डिग्निटी हम मेंटेन कर सके। यूनाइटेड स्टेट्स से हमने लिए फंडामेंटल राइट, यानी कि यूएसए से क्या अडॉप्ट करा हमने? फंडामेंटल राइट। तो क्या गलत करा हमने अडॉप्ट करके? नो, वी वर वेरी राइट। और कनाडा से हमने क्या लिया?
क्वासी फेडरल सिस्टम। क्वासी फेडरल सिस्टम मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एट द सेम टाइम हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट भी है जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर है, एंड एट लोकल लेवल पर भी हमारी गवर्नमेंट्स होती है, म्यूनिसिपैलिटी, और अगर गाँव में चले जाओगे तो वहाँ पर क्या है, पंचायत। तो इन सब कंट्रीज से हमने अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करी। सो विद दिस वी कम्प्लीटेड, आज आ गया होगा। सो क्लास 11 स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। सेकेंडली यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैंने लिंक बायो में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया हैगा। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, DM करके कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। एंड थर्ड थिंग इज दैट मैं इस चैप्टर के जितने भी नोट्स हैं वो आपके NCERT बैक क्वेश्चन, जो नोट्स जिन्हें आप कहते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं अपनी ब्लॉग साइट पे डालूंगी। ब्लॉग साइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो आपको हेल्प होगी, बिकॉज जो नोट्स होते हैं उसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा सफर करते हैं, एक फ्रेंड के पास जाके फोटोकॉपी कराना एंड ऑल, ये सब आपको नहीं करना है। नोट्स रेडी मेरी ब्लॉग साइट पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप ले सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक तो प्लीज़ जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो।